हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शैलेंद्र गर्ग है फ्रॉम बेस्ट सर्विसेज दिल्ली। आज मैं आपको पोलराइजर फिल्म चेंज करना बताऊंगा, जो कि कई बारी खोलते हुए जब हम वायर से डिस्प्ले और ग्लास को अलग करते हैं तो पोलराइजर फिल्म कई बारी कट जाती है, वो आज हम आपको चेंज करना बताएंगे। जैसे आप इस एलसीडी में देख सकते हैं, यहाँ से ये फिल्म कट गई है। अब हम आपको दिखाएंगे कि बिना किसी मशीन के कैसे इसको आप इजीली चेंज कर सकते हैं। ये हमारा आयरन है जिसके आगे ब्लेड लगा हुआ है, ब्लेड आयरन, इसकी मदद से हम निकालेंगे पोलराइजर को। देखिए बहुत आसान है इसको निकालना, कोई भी इजीली निकाल सकता है। ये देखिए, किसी मशीन की जरूरत नहीं है, बहुत आराम से हमने इसका पोलराइजर रिमूव कर दिया। एक बार और मैं आपको दिखाता हूं, इसकी भी पोलराइजर फिल्म आप देखिए यहां से कट रही है, इसको भी हम उतारेंगे। बेस्ट सर्विसेज आपको इसकी कंप्लीट ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, एलसीडी रिपेयरिंग का पूरा कोर्स हम आपको देते हैं। नेक्स्ट, एक और मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आपको समझने में ज्यादा आसानी रहे। जहां से पोलराइजर फिल्म कटी है वहां से हमने स्टार्ट किया, पोलराइजर फिल्म हमने लेनी शुरू की और धीरे धीरे अपने हैंड को हल्के प्रेशर से मूव कर दें। प्रेशर ज्यादा नहीं लगाना है, ज्यादा प्रेशर की वजह से एलसीडी डैमेज भी हो सकती है। एक हाथ से आप इसको पकड़ लीजिए, हम इसकी फुल ट्रेनिंग देते हैं। दिल्ली में हमारा इंस्टीट्यूट है, बेस्ट सर्विसेज हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है, यहाँ पे कंप्लीट एलसीडी ट्रेनिंग दी जाती है कि एलसीडी को कैसे रिपेयर किया जाए, ओसीएम मशीन के द्वारा फ्लेक्स कैसे चेंज की जाए, कई बार फ्लेक्स भी कट जाती है वो भी हम चेंज करना सिखाते हैं, कंप्लीट ट्रेनिंग हम देते हैं। एक लास्ट में आपको और उतार के दिखा देता हूँ, बहुत आसान है, थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आप इजीली ये कर सकते हैं। आयरन आपका 40 वॉट का होना चाहिए, 60 वॉट में एलसीडी खराब होने का डर रहता है। सेकेंडली, अब हम आपको सिखाएंगे इसका ग्लू कैसे रिमूव किया जाए। ये ग्लू बहुत ज्यादा हार्ड होता है पोलराइजर के बाद, जो उतारना आसान नहीं होता। उसके लिए हमारे पास बहुत ही सस्ता और बहुत ही छोटा सा टूल है जिसकी मदद से आप ये निकाल सकते हैं। ये हमारा एक होल्डर है प्लास्टिक का है, इसमें हम ये सिंपल ब्लेड लगाएंगे जो आपको कहीं भी इजीली किसी भी किराना शॉप से मिल जाएगा। नॉर्मल जो नाई वगैरह भी यूज करते हैं ब्लेड, वो वाला ब्लेड है, इसमें ये फिट हो जाता है। इसकी हेल्प से हम बहुत इजीली ये सारा ग्लू क्लीन करें। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए हमने रखा, इसीलिए सारा ग्लू क्लीन हो गया। दोबारा हम करेंगे, ये देखिए पूरा ग्लू क्लीन हो गया है। फेल्कॉन केमिकल की मदद से जो बाकी छोटा मोटा ग्लू रह जाता है वो हम इजीली इसे साफ कर सकते हैं। जो थोड़ा ज्यादा ग्लू रह जाएगा वो हम प्लेट की सहायता से फिर से रिमूव कर सकते हैं।
छोटे से टूल्स की मदद से आप इजीली पोलराइजर का ग्लू क्लीन कर सकते हैं, पोलराइजर रिमूव कर सकते हैं। किसी भी मशीन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये देखिए प्रॉपरली क्लीन हो गई है। मैं एक बार आपको और दिखाता हूँ, अभी वाले डिस्प्ले नहीं है। ब्लेड लेंगे, थोड़ा सा रह गया क्योंकि ब्लेड खराब हो गया है। अब ब्लेड को पलट लेंगे दूसरी तरफ से। एक डिस्प्ले में जनरली आप एक ही ब्लेड यूज कर सकते हैं, दूसरी डिस्प्ले के लिए साइड चेंज करें बेटर रहेगा। हमारा इंस्टीट्यूट दिल्ली में है, रोहिणी में। हम फुल ट्रेनिंग देते हैं कि कैसे इसको डिस्प्ले को रिपेयर किया जाता है। पोलराइजर चेंज, OCA ट्रेनिंग, कंप्लीट ट्रेनिंग हम आपको देते हैं। मेरा फोन नंबर है 9312117080। आप डायरेक्टली मुझे कॉल कर सकते हैं, आपको कोई भी परेशानी है, कोई प्रॉब्लम आती है, आप डायरेक्टली मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा डिस्प्ले रिलेटेड इश्यूज में। मैं अपना नंबर फिर से रिपीट कर देता हूँ, 9312117080 9312117080। शैलेंद्र गर्ग मेरा नाम है। आप कभी भी कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे कॉल कर सकते हैं। हमारा इंस्टीट्यूट इंडिया का पहला इंस्टीट्यूट है जो LCD रिपेयरिंग करने ही सिखाता है। ये देखिए पूरा क्लीन हो गया है, ये स्क्रैचेस नहीं है। ये आप दोबारा अगर हम इसको साफ करेंगे ये रिमूव हो जाएगा। अगर आपका ब्लेड सही है तो स्क्रैच नहीं आएंगे। ये देखिए प्रॉपरली क्लीन हो गया है। मैं आपको एक बार और दिखा देता हूं ताकि आप प्रॉपरली समझ सकें कि कैसे करना होता है। हमारे पास सभी प्रकार की मशीन्स भी अवेलेबल होती हैं LCD रिपेयर करने वाली। OCA मशीन्स हमारे पास अवेलेबल हैं, फ्लेक्स बॉन्डिंग मशीन्स हमारे पास अवेलेबल हैं, सभी प्रकार की मोबाइल रिपेयरिंग की मशीनें हमारे पास होती हैं। आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। देखिए मैं दोबारा इसका ग्लू उतार के दिखाता हूँ आपको। आपको ये दोनों हाथ से पकड़ना है, एक हाथ से नहीं पकड़ना। प्रेशर समान प्रेशर रहना चाहिए, बहुत ज्यादा प्रेशर भी नहीं रहना चाहिए। हम रखेंगे इसको और इस तरीके से बिल्कुल क्लीन हो जाता है। अगर कहीं कंफ्यूजन है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। ये सारे छोटे मोटे टूल्स, पार्ट्स, OCA फिल्म, सब कुछ हमारे पास अवेलेबल होता है। ऑल ओवर इंडिया हम सप्लाई करते हैं अपने स्पेयर पार्ट्स। ये देखिए बिल्कुल प्रॉपरली क्लीन हो गया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you. Bye-bye.